बाबा एक और ये इंडी अलायंस है, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडी अलायंस अभी अभी उनके मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया। कांग्रेस के एक एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, ममता जी के मंत्री के यहां से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, और कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के पीए के यहां से 30 करोड़ रुपया। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस राहुल बाबा के नेतृत्व में, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिनके खिलाफ 25 पैसे का आरोप कोई नहीं लगा सकता, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। मित्रों, ये दोनों के बीच में जालना वालों आपको तय करना है। एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन भी की छुट्टी लिए बगैर भारत माता की सेवा में लगे हुए नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। आज मैं यहां आया हूं तब राव साहब को दिया हुआ आपका एक एक वोट, उनके नाम के सामने जो कमल निशान है उस पर दिया हुआ एक एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया, समृद्ध बनाया, आगे बढ़ाया, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं आज जालना वालों को पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, अंत तक बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस वालों ने, इंडिया अलायंस वालों ने, शरद राव एंड कंपनी ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी ने एक 5 ही साल में राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इंडी अलायंस वालों को दिया गया, अलग अलग बहाने कर वो इसका बहिष्कार कर गई, क्योंकि उनको डर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए तो उनकी वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगी। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना जालना वालों? मालूम है या नहीं है? आप नहीं हो, मगर मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले ये वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार किया, और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनाने का काम चल रहा है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि ये जो कश्मीर है ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोले, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 साल पार कर गए,
मगर महाराष्ट्र वालों को नहीं जानते जालना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान दे सकता है। जब ये तीन धारा 370 की बात आई, सालों से ये कांग्रेस पार्टी, ये इंडी अलायंस वाले धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। मोदी जी ने, आप लोगों ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। मोदी जी ने आतंकवाद को भी समाप्त किया, नक्सलवाद को समाप्त किया और देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, देश के 80 करोड़ गरीब, इंदिरा गांधी जी कहकर गई थी गरीबी हटाओ, राहुल बाबा आपकी दादी ने वादा किया था, कोई कांग्रेसी ने पूरा नहीं किया। 80 करोड़ गरीबों के जीवन में आनंद लाने का काम, जीवन स्तर उठाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ गरीबों के घर में मुफ्त में अनाज भेजा, इसके साथ साथ नल से जल भेजा, गैस का सिलेंडर भेजा और 5 लाख तक का सारा दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आज नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। भाइयों बहनों, जालना वालों, आपको कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जिसको दोनों टीका लगा है जरा दोनों हाथ उठाए जरा। सबको लगा है ना? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब कोरोना आया तब उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे? उनके साथी कोरोना के दर्दियों की खिचड़ी में से मलाई खाने का काम कर रहे थे और मोदी जी लोगों की जान बचा रहे थे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं, जालना का स्टील उद्योग न केवल महाराष्ट्र भारत की शान है, यहां से पूरे देश भर में स्टील सप्लाई किया जाता है, मगर अब यहां ड्राई पोर्ट बन रहा है। जालना का स्टील खाली देश में नहीं दुनिया भर में जाएगा और जालना का डंका बजाएगा। यहां से कंटेनर भर भर कर स्टील पूरी दुनिया में जाने वाला है और ये काम किया है तो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? ये उद्धव ठाकरे जी आने वाले हैं 2 दिन के बाद। जालना वालों, मैं आपको कहकर जाता हूं, उनको पूछना जिन्होंने संभाजीनगर के नाम का विरोध किया, वो कांग्रेस और शरद राव के साथ अब सत्ता प्राप्त करने के लिए इनके पैरों में पड़े हो। आज मैं बाला साहेब ठाकरे का स्मरण करना चाहता हूं। उन्हीं ने कहा था कि इसका नाम वीर संभाजी छत्रपति के नाम से हो, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जब प्रस्ताव आया तो वो उनका स्वागत भी नहीं कर पाए। भाई बहन, जब उद्धव ठाकरे आए तब पूछना राम मंदिर बनाए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो नहीं बोलेंगे। आप पूछना जरा धारा 370 हटी ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो नहीं बोलेंगे।
आप पूछना ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे। वो तो वो पार्टी के साथ बैठे हैं जो ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहते हैं और शरिया के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों मुझे बताओ, अब ये देश मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर चल सकता है क्या? जोर से बोले, चल सकता है क्या? ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? ये उद्धव ठाकरे जी पद प्राप्त करने के लिए ऐसी पार्टियों में के साथ बैठे हैं। भाइयों बहनों अभी अभी पाकिस्तान राहुल बाबा पर बहुत खुश है, हर रोज राहुल बाबा का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने बताया कि भाई ये पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन क्यों कर रहा है। मैंने पत्रकार को कहा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, राहुल बाबा सवालिया निशान उठाते हैं, मोदी जी नक्सलवादियों को आतंकवादियों को मारते हैं, राहुल बाबा सवाल उठाते हैं, मोदी जी सीए लाते हैं, ये कहते हैं हम सीए वापिस ले लेंगे, और इसलिए पाकिस्तान का पूरा एजेंडा अगर भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। भाइयों बहनों कांग्रेस पार्टी, और मेरी बात याद रखना, भगवान न करे ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का काम, ये पाप एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों ये इंडी अलायंस के नेता, उनका कोई नेता ही नहीं। आप मुझे बताओ, कदाचित वो अगर जीतते हैं तो उनका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? हमारे यहां तो तय है, एनडीए के जीतने के साथ, भाजपा के जीतने के साथ 400 पार करने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारे यहां तय है। आप मुझे बताओ, इंडिया अलायंस जीतती है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप जवाब नहीं दे रहे हो। मैं एक एक करकर पूछता हूं, ममता जी को बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए? स्टालिन को बनाना चाहिए? भाई आप हंसना मत, जरा अंतिम नाम पूछता हूं मैं, राहुल बाबा को बनाना चाहिए क्या? जब किसी इंडिया अलायंस के एक नेता को पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बनेंगे। अरे इंडिया अलायंस वालों, ये भारत है, इतना बड़ा देश ऐसे नहीं चल सकता, आप भागीदारी कंपनी नहीं चला रहे हो। भाइयों बहनों उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 साल का किया हुआ कामों का हिसाब भी है और 25 साल का एजेंडा भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है इस देश को हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दुनिया में भारत को नंबर एक बनाना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देकर मुंह तोड़ जवाब देना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है करोड़ों करोड़ों युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ दो दो हाथ करने का मंच देना। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे देश को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाना। भाइयों बहनों मैं जब यहां आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये इंडी अलायंस वालों का 10 साल सरकार था, 10 साल में इंडी अलायंस वालों ने महाराष्ट्र को सिर्फ
1,91,000 करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 1,91,000, जिसमें शरद राव जी खुद रेलवे कृषि मंत्री थे। और जब मोदी जी की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, 10 साल में मोदी जी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 1,91,000 करोड़ की जगह 9,80,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स दिए। और देवेंद्र जी ने इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र को पूरी भारत में नंबर 1 पर लाने का काम हमारे देवेंद्र फडणवीस ने किया। जालना वालों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एनडी अलायंस वालों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, वो देश को महाराष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। महाराष्ट्र को और देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता। राव साहेब दानवे यहां से भाजपा के प्रत्याशी, मैं देश भर में जहां जहां जाता हूं वहां कहते हैं हमारे प्रत्याशी को आप पद दीजिए, पद दीजिए। मैं आज कहकर जाता हूं, आपने 5 बार राव साहब को चुना है, 6ठी बार चुन लीजिए, राव साहब बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, मेरी बात याद रखना, बहुत बड़े आदमी। राव साहब ने 5 बार सांसद, 2 बार विधायक रहकर इस समग्र क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, 6ठी बार सांसद बना दो, जालना को सभी मत क्षेत्र में टॉप पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताइए, मोदी जी को आप सभी लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? राव साहब दानवे को 6ठी बार सांसद बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय।